सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरा वाली जी दा गोल सांचे दरबार की सेवा वाचम देवे संबद्ध सुलभे सर्व कार्य विदायने कलाहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायम् ब्रूहि यत्नतः देव्यो वाचम् शृणु देवा प्रवक्ष्यामि कला सर्वेश साधनम् मया तवैव सेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः परोष्टव छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मे महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विचेतांसि देवे भगवते सा बलाना कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मिता हर्षभेदमशजन्तः स्वस्थे स्मिता मधिमदेव शुभां ददाति दारिद्रदुःखवहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल शिवे सर्वार्थसाधिक शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तु ते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते भयभस्त्रायिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तु ते रोगानशेषाणपहांसि दुष्टा कृष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां नृपनराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां नयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभिर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शनश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ शरी साध्वि भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जयाचाध्या त्रिनेता शूलधारणि पिनाकधारणि चित्रा चन्द्रघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयि सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणि अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति पट्टापरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जने अमे अविक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वरदुर्गा च मातङ्गे मदङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराहे लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः
विमलाकर्षणे ज्ञानक्रिया नित्याज बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हरणे महिषासुरमर्दने मधुकैरवहन्त्रे च चण्डमुण्ड विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वात्र धारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकादस्य धारणे कुमारी चैककन्या च केशवी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनि नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवदोति कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदं प्रभते नित्यं दुर्गा नाम सदाशगं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुखं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारे पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे परया भक्त्या पठे नाम सदाशगं तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैश्वरवरैरपि राजानोदासतां जान्ते राज्यमवाप्नुयात् घोरोचनालत्वकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यादिशामग्रे चन्द्रे शरदृशाङ्गते विलक्ष्या प्रवणे स्वात्रं समभे सम्पदां पदा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टोष्ठङ्गः चामुण्डा देवता अङ्गजा सोदमातरा बेजं देवमङ्गदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगह्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं विनां यन्न कस्य जदाख्यातं तं मे ब्रूहे पितामहः ब्रह्म उवाच अस्ति भूयतमं विप्र सर्वभूतापकारकं दिव्यासो कवचं पुण्यं दशणश महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दपादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं
नवम सिद्धिदात्रे च नव दुर्गः प्रकीर्तिताः भक्ताने ताने नामाने ब्रह्मणेव महात्मना अनिनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे भीष्मे दुर्गमे चैव व्याताः शरणं गताः नातेषां जायते किञ्चित् अशुभरसङ्कटे कामदं तस्य पश्यामि शोकदुःख वयं नहि येषु भक्त्या सुदारूणां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेषि रक्षसे तान्न संशयः वेदु संसार चामुण्डा वाराहि महिषासना केन्द्रिगसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी परमासना देवे परमहता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरे वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वाः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां सत्यं हलं च मुसलायुधं केदवं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यन्तायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते सोमारौद्रे महाघोरपराक्रमे महामले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रेष शत्रूणामयवर्धने प्राचा रक्षत मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव वाराहि नैरित्यां खड्गधारणे हृदे चां वारुणे रक्ष वायभ्यां मृगवाहिनि हृदि चां पादुकौमारि एषाणां शूलधारणे ॐ ब्रह्माणि वे रक्ष अदत्ता वैष्णवे तथा एवं दर्शो रक्ष चामुण्डा च वाहना जया मे चागता पादो विजया पादो पृष्ठतः कजिता वाम पाशयतो दक्षिणे चापराजिता श्रीरामुद्योधने रक्ष कुमामूर्धे व्यवस्थिता बालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्य जमघण्टा जनासिके शङ्कणे चक्षुषोर्मध्य श्रोतयोद्वारवासने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च चर्चिका आदरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्ष कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी शुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च वृषभं च धनुधरे नीलग्रीवामहे कण्ठे नलिकां नलकोपरि स्कन्ध्यो खड्गणे रक्ष बाहो मे वज्रधारणि अस्यो दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाङ्गुलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि स्तनो रक्ष महादेवे मनाशोकविनाशने विदे ललिता देवे उदरे शूलधारणि कामोचकामणि रक्ष भूयं भूयेश्वरि तथा भूदना कामे कामेटं बुधे महिषवाहिनि रट्यां भगवते रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायिनि गुल्फयो नारसिंहे च पादपृष्ठे दुदेजसि पादाङ्गुलेषु रक्ष पादाधस्थलवासिनि
केशाक्षेवोद्धकेशने रोमकोपेशुको वेरे त्वजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावकामाचार्यतिमेदांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावले पामकाशकभयचोरामणे तथा ज्वालामुखेन राज्ज्वालां भवेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारणे प्राणपाणौ तथा व्याणम् उदारं च समानकम् वज्रहस्ताच मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसरूपे च दन्ते च शब्दे सशजयोगने हत्वं रयस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिक पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्या रक्ष भैरवे पन्थानां सभदा रक्ष मार्गं च मकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजयासवता स्थिता रक्षायेनं तुजस्तानं भर्जितं तव जनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने फलमेकं न गच्छतो जलेच्छवमात्मनः तव चेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राथ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमधुरं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्य तु भवेद्भोजा कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानां विदुर्लभम् यापने प्रेतो नित्यं निसंज्ञं सद्यान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवे वर्षदं जाग्रमिव मृत्यो विवर्जितः पश्यन्ति व्याधया सर्वे लोका विस्फोटकादयः कावलं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचरा केचरा चैव जजा चोपदेशिका सागरावलजा माला डाकणेशा कणे तथा अन्तरिक्षा चरा घोरा डाकिन्नश्च महाबलाः ग्रहभूतविषाडाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माडा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शना तस्य कवचे विधि संस्थिते मानो न ते बभेराज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यदा वर्तते सापि कीर्तिमण्डितभूतले यमे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शशलवनकाननं तावत् तिष्ठति मे जन्यां सन्तते पत्रपत्रके देहान्ते परमवतानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते ॐ अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोऋषिः अनुष्टोच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्ग
मंगलाकारे भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमाश वाधात्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते जय तं देवे चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमोस्तुते मरुके नम वेद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि रक्तबीजावदे देवि चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि वदिताङ्गे युगे देवि सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि अजिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रु विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि सुभद्रा भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि चण्डिके सकलं जयताम् आचयान्देह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि विदेहि दृशतानाशं विदेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि सुरासुरशिरो रत्नानिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पण चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि कृष्णेन संसुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि इन्द्राणिपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि देवि प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि देवि भक्तगणोदाम दत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि पत्नी मनोरमा देहि मनावृत्तानुसारणे कारणे दुर्गसंसार सागरस्य कुलद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य शिकीलमन्त्रस्य शिवादिशिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहासरस्वते देवता शीलदम्बाभेत्यसं सप्तशतीपाणाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ
विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदे दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे सर्वमेतद्धियानीयान् मन्त्राणाम् अभिकीलकम् स्वभिक्षेमो वाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुभदां देवि स्वतमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदविद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणमि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायात तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तेन पुण्यस्य तायधावन्नियन्त्रणाम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशमष्टं व्यापा समाहितः ददाति परिहर्णादीनान्यथेषा प्रसीदति इत्थारूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिष्किलामिधायेन नित्यं जगदे संस्फुटम् सिद्धागणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः काचैवाप्रत्तस्य भयं क्वापि अजायते नावमित्तो वशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञाता प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादिषत्किञ्चित् दृश्यते लरणाजने तत्सर्वं दत्त साधेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शनेस्तु जप्यमाणे स्वयं स्तोत्र सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्राभितः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं जत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुवाणि परो मोक्ष श्रूयते सानुगृञ्जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आये गिरि नंदिनी नंद्य विनोदिनी नंदन Dura
Thank you.
अभी अंत में कृष्ण भक्ति इस पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अत क्षमा प्रार्थना अपराध क्षमा स्व श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्ष का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए
माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा इसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली मात जयकारा शेराम वाली जी दा बोले सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। शूलेन पाही नो देवी पाही खड़गेन चांबिके घंटा स्वरेन ना पाही चावत जानी स्वरेन च। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणनाथ शूलस्य उत्तरस्याम तथेषि। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें ता ईश्री अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्याणी यानी रूपाणी त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानी चातुर्थ घोराणी ते रक्षा स्मान सदा भुवम। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरित रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी ता इस भूलोक की रक्षा करें। खड़ग शूल गदा दीनी यानी शास्त्राणी ते अंबिके कर पल्लव संगीनी ते स्मार रख के सर्वता। अंबिके आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड़ग शूल गदा दि जोर अस्त्रों उन सब के द्वारा अब सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। हम सभी भक्तजन भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। युधिष्ठिर महाराज जी कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि महाराज वैशाख कृष्ण पक्ष में कौन सी काशी होती है और इसका क्या महात्म है। उस समय कृष्ण जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज वैशाख कृष्ण पक्ष की काशी है, उसका नाम मरुत्नी काशी है। इसके व्रत उपास से भक्तजन जो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष एवं भोग की प्राप्ति करते हैं। आया मानदाता तथा धुंधुमार ने इसी मरुत्नी काशी का व्रत करके स्वर्ग की प्राप्ति की थी और बता रहे हैं कि जिस प्रकार हाथी से दान जो घोड़े से हाथी का दान श्रेष्ठ है, इसी प्रकार जो उत्तरोत्तर भूमि का दान, स्वर्ण दान और अन्न दान जिससे स्वयं जो पितर जो देवता मनुष्य प्रसन्न होते हैं ये श्रेष्ठ हैं। और फिर इन सब से श्रेष्ठ दान जो विद्यादान है, विद्यादानम सर्वदानेषु उत्तमम अस्ति, सब दानों से उत्तम है। और जो भरूतनी काशी का व्रत करता है उसको जो विद्यादान की समान फल प्राप्त होता है।
10,000 वर्ष तक जो तपस्या करता है उससे जो फल प्राप्त होता है उसके समान जो है मरुति काशी के व्रत से फल प्राप्त होता है। परंतु जो लोग कन्या का धन खाते हैं उनको पाप की प्राप्ति होती है, उनको नरक की प्राप्ति होती है, इसलिए भूल कर भी कन्या का जो धन है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्तजन अपनी शक्ति अनुसार कन्या को आभूषणों से युक्त करके उसका दान करता है उसको रुक्मिणी काशी के समान जो फल प्राप्त होता है, अर्थात चित्रगुप्त उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों को भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आज उपवास प्राण जाते हुए मरुत्नी काशी का व्रत करना चाहिए और रात्रि को जाग करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इससे नरक की प्राप्ति नहीं होती, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज लक्ष्मी के धाम में विराजमान होकर के सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इन लक्ष्मी का प्राकट्य कई रूप में हुआ माना जाता है। एक तो ऐसा माना जाता है कि राधा के दक्षिणांश से जो लक्ष्मी प्रकट हुई, इसी प्रकार कृष्ण के दक्षिणांश से भगवान विष्णु प्रकट हुए और दूसरी ऐसी कथा है कि एक बार स्वयं भगवान इंद्र मधुपान से प्रमत्त हुए कैलाश पर्वत से वैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दुर्वासा जी को देखा और उनको प्रणाम किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त पारिजात पुष्प इंद्र को दिया, परंतु इंद्र मधुपान से प्रमत्त थे, अतः अभिमान पूर्वक उन्होंने इस फूल को ऐरावत हाथी पर फेंक दिया, जिससे दुर्वासा जी कुपित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि तूने मेरे द्वारा दिए गए इस फूल का अपमान किया है, अतः लक्ष्मी आपके धाम से रूठ करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाएं। और इस प्रकार स्वर्ग जो था वो लक्ष्मी विहीन हो गया। तब सभी देवगण ब्रह्मदा शंकर जी को साथ देकर के भैंस जी को साथ देकर के वैकुंठ धाम में गए और सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया। उसमें भगवान विष्णु उपदेश दिया कि जहाँ शिव जी की पूजा नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शंख ध्वनि नहीं होती, अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता, भक्तजन व्रत उपवास नहीं करते हैं, शरीर हिंसा से युक्त रहते हैं, वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। और तब उन्होंने लक्ष्मी को खीर सागर जहाँ उत्पन्न होने की आज्ञा दी और देवताओं को परामर्श दिया कि आप दैत्यों के साथ मिलकर के खीर सागर का मंथन करो। सभी दैत्यों ने देवताओं के साथ मिलकर के खीर सागर का मंथन किया, जिससे कई प्रकार के रत्न प्रकट हुए, जिनमें लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने शेषैया पर विराजमान भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित की। उस समय देवताओं ने लक्ष्मी की स्तुति की और लक्ष्मी माता ने देवताओं पर कृपा दृष्टि डाली, अर्थात पुनः स्वर्ग में लक्ष्मी का निवास हो गया। इसलिए हम भक्तों में चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो, हमें भगवान विष्णु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात हमारे घर में शिव की पूजा होनी चाहिए, तुलसी का आरोपण होना चाहिए, शंख ध्वनि होनी चाहिए, अतिथि का आदर सम्मान और हिंसा से दूर रहना चाहिए। इससे हमारे घर में सदैव लक्ष्मी माता विराजमान रहेंगी। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य भाव विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जारमूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही है। इसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं, इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, भटुक्त प्रहलाद जी और सातवें महाराज का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्छे रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे, 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 ओम ऐं ह्रीं सच्चियां जोतां वाली माता तेरी जय।
जय कारा श्री राम वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो मन में संजोई माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचिया जोता वाली माता तेरी जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जय करा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की। पकड़ लो बाह अब मैया, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह अब मैया, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह अब मैया, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह अब मैया, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज 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 जाएगी। पकड़ लो बाह अब मैया, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह अब मैया, नहीं तो डूब जाएगी। काली के बाद धीमी है, सभी वक्त हाथ ऊपर टाकर मानते हैं आदि देंगे और ऊंचा बोले जाओ कि नहीं
जयकार शिरवली का बोल सच्चे दरबार की जय। दया करो अब तो मुझ पर दया करो देर भाई बड़ी देर भाई मेरा देर लगाया करो देर भाई बड़ी देर भाई रूना देर लगाया करो देर भाई बड़ी देर भाई रूना देर लगाया करो देर भाई बड़ी देर भाई लगाया करो
अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। आई तुम्हें तो याद ही, आई तुम्हें तो याद ही, माँ जग जननी बच्चों की, आई तुम्हें क्यों याद ही, आई तुम्हें क्यों याद ही, माँ जग हमें हाथ सारे अभी सुनी भर याद ही, अभी सुनी भर याद ही, माँ मुस्तक हो गई हाथ सारे अभी सुनी भर याद ही, अभी सुनी भर याद ही, माँ जग जननीन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद ही, आई तुम्हें क्यों याद ही, माँ जग जननीन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद ही, आई तुम्हें क्यों याद ही, हमें बड़े आजमाया करो, सबर बड़े कमजोर हमारा, सबर न यूं आजमाया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो करो, अब तो मुझ पर दया करो। जगाई बिगड़ी बना दो बातमा, बिगड़ी बना दो बातमा, माँ जग जननी बच्चों के सिर कोई तो रख दो हाथमा, कोई तो रख दो हाथमा, माँ जग जननी बच्चों के सिर कोई तो रख दो हाथमा, कोई तो रख दो हाथमा, अलग जगाई बिगड़ी बना दो बातमा, बिगड़ी बना दो बातमा, भूली रमाई अलग जगाई बिगड़ी बना दो बातमा, बिगड़ी बना दो बातमा, माँ जग जननी बच्चों के सिर कोई तो रख दो हाथमा, कोई तो रख दो हाथमा, माँ जग जननी बच्चों के सर कोई तो रख दो हाथमा, कोई तो रख दो हाथमा, जीते हैं जो तेरे सहारे, जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो, जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो, दया करो माँ दया करो, तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो।
तो पुकारे जाएंगे, हम तो पुकारे जाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे, झोली यही फैलाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे, झोली यही फैलाएंगे। सबसे मन से चिंता है हम तो पुकारे जाएंगे, हम तो पुकारे जाएंगे। सच्चे मन से चिंता हरनी हम तो पुकारे जाएंगे, हम तो पुकारे जाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे, झोली यही फैलाएंगे। हाँ तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे, झोली यही फैलाएंगे। छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो। छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, देर भई लगाया करो। देर भई बड़ी देर भई, ना देर लगाया करो। देर भई देर लगाया करो, देर भई बड़ी देर भई, ना देर लगाया करो। दया करो दया करो, कहो तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। जय कर श्रीमाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। एक घन प्रश्न कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शिरावली दल बोल सच्चे दरबार, गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी। माता मेरी सब दे दिला दे हाल दसदी। गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी, माता मेरी गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी। माता मेरी सब दे दिला दे हाल दसदी। गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी, माता मेरी गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी। माता मेरी सब दे दिला दे हाल दसदी। गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी, माता मेरी सब दे दिला दे हाल दसदी।
ਤੇਰੇ
ललन जावे दिल दर्शी दा जज घबरावे दिल दर्शी दा जज घबरावे घबरावे तेरे पौन दिया फेरिया रहे गुफा जवानी बिच भवानी आप बसरी माता मेरी सब दे दिलां दे गल दसदी भवानी बिच भवानी आप बसरी माता मेरी सब दे दिलां दे माता मेरी माता मेरी सब दे दिलां दे हाल दसदी ओ गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी माता मेरी सब दे दिलां दे हाल दसदी गुफा सुहानी बिच भवानी आप बसदी माता मेरी सब दे दिलां दे हाल दसदी जयकारा श्री वाली दल बोल सच्चे दरबार की जय प्रातः स्मरामि शरदिं दुकरोज्ज्वलाभां तद्दत्तवन्मकर कुण्डलहारभूषा दिव्याजुधोर्जित सुनीलसहस्रहस्ता रक्तोत्पलाभचरणा भवती परेशा सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय आज बिकमारी शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास के आज 17 प्रविष्ट हैं कृष्ण पक्ष आज एकादशी तिथि है मंगलवार तदनुसार 30 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज भरूतनी काशी व्रत के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज के दिन व्रत उपवास द्वारा जब पूजा पाठ दान करने रात्रि भर जाग करके भगवान विष्णु की आराधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है अब सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर्भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानामुदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भवपुत्रलाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपका आरोग्यता प्राप्त हो आप धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है आपकी पुस्तिका के अंत पर सभी आरती लिखी है सभी बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मैया जय आनंद करनी तुमको ऋषि दीन जावत
Yeah.
मैं अब छोड़ कर सार दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सार दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे तुम्हारी भवानी करण सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय शिव पुजारी महाराज
माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो माता जी, कल मिल बोलो माता जी, राहु मिला जय माता जी, राधा मिला जय माता जी, आरती मिला जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, मेरा करनी जय माता जी, झोलियां भरनी जय माता जी, हरे कल्याण जय माता जी, सोलह आने जय माता जी, गोदा भरनी जय माता जी, वीर जनी जय माता जी, लाल जनी जय माता जी, गाने सुने जय माता जी, उच्ची बोलो जय माता जी, हाथ भी बोलो जय माता जी, ताली बजा के जय माता जी, गोदा भरनी जय माता जी, लाटा भरनी जय माता जी, सोलियां भरनी जय माता जी, सुनिया भरनी जय माता जी, चूड़ियां भरनी जय माता जी, पहाड़ा भरनी जय माता जी, पंगा भरनी जय माता जी, गड्डिया भरनी जय माता जी, गड्डिया भरनी जय माता जी, बारा वाली जय माता जी, घबरा वाली जय माता जी, शेरा वाली जय माता जी, गुफा वाली जय माता जी, हाथ वाली जय माता जी, डकल रानी जय माता जी, बाबा रानी जय माता जी, भिंडी रानी जय माता जी, गैस देवी जय माता जी, बाबा काली जय माता जी, पत्थर वाली जय माता जी, शक्ति देवी जय माता जी, लक्ष्मी मैया जय माता जी, भक्त द्वारी जय माता जी, हरे खजाने जय माता जी, सोलह आने जय माता जी, सरस प्रतिमा जय माता जी, भक्त द्वारी जय माता जी, विद्या रानी जय माता जी, ज्ञान रानी जय माता जी, बुद्धि रानी जय माता जी, भक्ति जयकारा छेरा वाली जी का बोल सके दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रजने गुरु जी को वंदना किए आदरणे तृतीय स्मरण शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आज पैर जो खड़ी जो करना दान जय
खड़गम चक्र गुराबुंडा शंखम सर्वाधुरा दंडम शक्तिमतिं च चर्म जलजम् घण्टासुराभाजनम् चूलं वाच सुदर्शने सरसे हस्ते प्रसन्ना देवे चैरमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा चूलहलादिशङ्खमुतले चक्रं धनुसायकम् हस्ताभेदनान्तविलस चेता चतुल्यप्रभा गौरी देह समोत्सवान्तिरता आधारभूतामा पूर्वा मन्त्रसरस्वती मनुभजे शुम्भादिगत्यादिनी त्वमेव माता चुरिका त्वमेव त्वमेव बन्धो च त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव भुजगशयनं वर्मणावं सुरेशं विश्वाधारं चरणदर्शितं भेदवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लोकविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भगवानं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनाथं कृष्णामङ्गलं वासुदेवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं चिदं हरे मुरारे मंगले द्वारे गोविंद गोपाल मरंदी ज्ञानम प्रदेहि शरणम प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवान नमोस्तुते हे माई मेरी सच्चिया जोदा वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वसुदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा लोंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का नाशो अधर्म का नाशो अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावो प्राणियों में सद्भावो प्राणियों में सद्भावो विश्व का कल्याणो विश्व का कल्याणो विश्व का कल्याणो भारतवर्ष महानो भारतवर्ष महानो भारतवर्ष महानो बोलो हर बोलो बाबा की की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय
Gracias.